हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 31-35। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चलो इसको आराम से देखते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स ये क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है 7.2 पूरा चैप्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को लेट करेंगे जिससे दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। तो नीचे वाले सेक्शन को हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट 1+ कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सो अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट का 0 और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो हम लोग को क्या चाहिए ऊपर में, साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस एक्स्ट्रा है, हम लोग माइनस को उधर भेजेंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, सो अब हम लोग इन सभी को पुट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक बार लिख लेते हैं, साइन एक्स बाई 1+ कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि हम लोग को क्या क्या मिल चुका है। हम लोगों को साइन एक्स डी एक्स मिल गया है जिसको हम लोग माइनस डी टी से जान रहे हैं, और 1+ कॉस एक्स स्क्वायर, 1+ कॉस एक्स को हमने टी माना था विच इज टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस टी बाहर निकालेंगे और टी स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, टी पे पावर माइनस टू डी टी। ये होता है इंटीग्रेशन में टी पे पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस टी पे पावर माइनस वन, टी पे पावर माइनस वन बाई माइनस वन प्लस सी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर माइनस वन प्लस सी। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/t प्लस सी, और t हम लोगों ने किसको माना है, 1+ कॉस एक्स को, तो 1/1+ कॉस एक्स प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+ कॉट एक्स। इससे पहले हम लोग इसको रब कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको अच्छे से समझना होगा, है ना। मैं बता रहा हूँ ये 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। सो इनको अच्छे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+ कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बोल के चले तो इसे इंपॉर्टेंट बोल दे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा गया वो जान ले कि कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स, ये साइन एक्स यहां चला जाएगा, प्लस कॉस एक्स अपॉन जो उसका एलसीएम है वो क्या है, साइन एक्स। तो ये ऐसा ही रहेगा डी एक्स। अब ये साइन एक्स क्या है, 1/1 साइन एक्स, सो समथिंग बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा ये साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पूरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, इसको हम लोग को अच्छे से इक्वेट करना होगा। ये मैंने 2 से इंटू किया और ये मैंने 2 से डिवाइड किया, ये पूरा इक्वेशन स्टेबल हो गया। जैसे कि हम लोग किसी फंक्शन को एफ एक्स को 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, देखो ये काटने पे एफ एक्स ही लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाएगा यहाँ के बाद, ठीक है, मीनिंग बदल जाएगा, विच मीन्स अब ये क्वेश्चन को हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा सेक्शन में बदल सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ के बाद ही ये जो हम लोग के पास डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे वो जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेशन 1/2, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे, ये लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो इस जगह को थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे, ये क्या होगा एज इट इज, इसको ऊपर लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस
एक्स लिख दिया बीच में प्लस का साइन देते हुए। अब हम लोग कुछ ऐसा इसमें लिखेंगे जो जोड़ने पे 2 साइन एक्स आए बाकी सारा कट जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखो यहां पर ऐड करने पे साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स कट गया तो क्या बचा 2 साइन एक्स आ गया। मतलब ये इक्वेशन भी बन गया और ये कटकर ये भी आ गया, विच मीन्स हम लोग को अब एक डिजायर्ड इक्वेशन मिल गया है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से बाई पार्ट करके, ठीक है। तो चलो देखो यहां पर क्या किया जा सकता है, इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये रहा एक पार्ट। और दूसरा उसी में प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये रहा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये दोनों अलग अलग हो गए और यहां देखो ये दोनों सेम है तो कट गए, ठीक है। इसको एक स्टेप और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर हम लोग नीचे वाले सेक्शन को जब हम लोग टी मान लेंगे तो ऊपर वाला सेक्शन आ जाएगा, मतलब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ये तो क्लियर हो चुका है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। क्या है ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर हम लोग लेट करेंगे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी इस वाले सेक्शन को, तो क्या आएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये टोटल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम लोग को क्या चाहिए ऊपर में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हमारा आ क्या रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या करे, यहां पर माइनस कॉमन ले लो। यहां पर जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां पर एक और स्टेप है, हम लोग को तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव ये माइनस उधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम लोग को इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, फिर यहां पर आएंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, क्या बना माइनस डी टी, तो माइनस डी टी और नीचे वाला क्या है टी। इज इट क्लियर, चलो आगे देखते हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो ये आंसर तो हो गया 1/2 एक्स। यहां पर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी, 1/t हो या 1/x हो इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, देख लेते हैं एक बार और, 1/2x प्लस सॉरी दिस इज माइनस माइनस 1/2 लॉग पी प्लस सी, सो 1/2x माइनस 1/2 लॉग टी, किसे माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, इसे हम लोग रब कर ले है ना, चलो टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 33, यहां बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर, क्या बोला गया है यहाँ पे,
वन बाई वन माइनस टेन एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, वन बाई वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब कुछ लोगों को ये पूछना होगा कि हम लोगों ने टेन की जगह ये क्यों किया, तो ये होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर टेन एक्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? चलो आगे चलें। अब हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, वन बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस कॉस एक्स और डी एक्स। ये कॉस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बनेगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। फिर से वही प्रोसीजर। अभी क्या है यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, टू से कॉस को इंटू करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही बनने वाला है। इस उस बार क्या था, टू साइन एक्स, इस बार क्या है, टू कॉस एक्स। तो इसको फिर से वही करना है, इसके नीचे वाले सेक्शन को ऊपर उठाना है और कुछ प्लस करके देखना है कि माइनस रखना है या प्लस रखना है, जिससे ये टू कॉस एक्स आए। देखते हैं हम लोग क्या है ये प्रोसीजर पूरा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, सो इंटीग्रेशन वन बाई टू। अभी क्या है, जब इतना रख लिया तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, सबसे पहले इसको हम लोग को ऊपर रखना है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रख दिया, ब्रैकेट में बंद करो। अब क्या ऐसा करो प्लस करने पे, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखोगे तब कॉस टू एक्स आए, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखे। तो यहां पर फिर से वही होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखने पे ये फंक्शन में देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पर साइन एक्स प्लस माइनस में और साइन एक्स प्लस में ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, तो ये इक्वेशन को वैलिड कर देंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू कॉस एक्स यहाँ आ गया। अब हम लोग इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से कर चुके हैं, अब इसको हम लोग बाई पार्ट करके बना लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन को बनाया था। सो क्या है ये, वन बाई टू, एक पार्ट ये रहा एक पार्ट ये रहा। सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाई टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अभी यहाँ क्या है, ये दोनों फिर से सेम है, काट दिया जाए तो क्या हो गया, वन बाई टू डी एक्स प्लस वन बाई टू, ये क्या है, देखो फिर से हम लोग इसको मानेंगे टी, ऊपर वाला आएगा, फिर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये बनेगा। तो चलो इसको एक बार फिर लिख लेते हैं ताकि प्रोसीजर को अच्छे से समझ लें, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट जाना सही नहीं है, ठीक है। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग फिर से इसको अच्छे से देखेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर करना क्या होता है। यहाँ पर हम लोग इसको लेट करेंगे, लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, नीचे वाले को हम लोगों ने लेट किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस में है तो एक माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। सो अब यहां पर माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस को जैसे हम लोग उधर भेजेंगे ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, दोनों साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम लोग इसको पुट करेंगे यहाँ पर, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी, और ये क्या है टी। तो हम लोग अब इसको यहाँ पे प्रोसीड करके देते हैं, यहाँ पे प्रोसीड ना करते हुए हम लोग इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस वन बाई टू माइनस डी टी बाई टी प्लस सी, सॉरी इट्स नॉट सी, अभी हम लोग आगे चलेंगे फिर ये सी होगा,
हाँ तो हम लोग यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है, 1 बाई टू इन टू एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस 1 बाई टू, ये माइनस 1 बाई टू लॉग t प्लस c, ये क्या होता है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग t। सो अब हम लोग वहां पर t को सब्स्टिट्यूट करेंगे, t का वैल्यू माइनस 1 बाई टू लॉग क्या है, हम लोगों ने किसको टी माना था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, तो लिखना होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये रहा इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या ये आप लोगों को समझ में आया, मुझे लग रहा है कि समझना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और जब आए तो आपको कुछ इसी तरह प्रोसीड करना है। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख लो, फिर हम लोग इसको रब करेंगे, है ना। डन, चलो हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये भी इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन तो अच्छे थे ही, अभी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ रहा है वो और अच्छा है। इन सभी में बस यही है कि आपको समझना है कि अपन इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, है ना। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब इस क्वेश्चन को देखकर लग नहीं रहा कि अपन इसको लेट इजीली कर पाएंगे, तो इस क्वेश्चन में एक प्रोसीजर है, इसमें भी कुछ वैसा ही हम लोग को चलना है, वो देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में कॉस एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कुछ मिलेगा, वो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x अंडर रूट कॉस एक्स, जैसा कि हम लोगों ने बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है कॉस एक्स से, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुन रखा है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। और एक और चीज जान लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स होता है। यहीं पे एक चीज और जानो, कॉट एक्स को हम लोग 1 बाई 10 एक्स लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों को देखते हैं, इन तीनों को देखते हुए इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ देखो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। और ये क्या है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। मैंने क्या बताया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। तो मैं अब इन सभी को चेंज कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10x, और cos x by sin x क्या बना, cot x dx। अभी इस cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by 10x। चलो लिखते हैं, sec square x under root 10x by नीचे 10x dx। यहां पर एक चीज जानने वाली है जो बहुत जरूरी है, यहां पर जानो कि अगर हम लोग रूट अंडर 10x इंटू रूट अंडर 10x को मल्टीप्लाई करें तो वो सिर्फ 10x बन जाता है। तो हम लोग के पास यहाँ क्या है, नीचे में 10x। क्या हम लोग इसको इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10x जो ऊपर है और dx अपॉन इस 10x के जगह पे हम लोग क्या लिखें, अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x। सो एक 10x दूसरे 10x से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, एक 10x दूसरे 10x से कैंसिल। तो हम लोग को एक फॉर्म मिल रहा है इंटीग्रेशन का, वो है सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10x डी एक्स। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो समझने लायक और कॉन्सेप्ट यूज करने लायक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो देखें इसके आगे, अभी हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। 10x को हम लोग t मानेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट
टेन एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे ही हम लोगों ने टेन एक्स को टी माना और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम लोग को क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि ऊपर वाला फोर्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, एक बार लिख ले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर टेन एक्स। हम लोग अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस और कुछ करना है नहीं इसमें, ये क्वेश्चन बन चुका है। क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन रहा है, डी टी, डी टी बाई अंडर रूट टी इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी को क्या लिखेंगे, टी पे पावर वन बाई टू, और ऊपर आएगा तो टी पे पावर माइनस वन बाई टू डी टी। ठीक है, यहां पर एक चीज जान लो कि अंडर रूट टी को हम लोग टी पे पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, और टी पे पावर वन बाई टू नीचे होने के कारण ये प्लस में था, जैसे ही हम लोग इसको ऊपर ले आए तो ये माइनस में हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन लगाएंगे तो वो होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन, विच मीन्स वन बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन, विच मीन्स माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा टी पे पावर वन बाई टू बाई वन बाई टू प्लस सी, और टू ऊपर आने के कारण टी पे पावर वन बाई टू प्लस सी, और टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोगों ने मारा है टेन एक्स को टी, तो टेन एक्स पे पावर वन बाई टू प्लस सी, ये बन जाएगा टेन पे टी पे पावर वन बाई टू रूट टी था, तो टेन पे पावर वन बाई टू क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी। ये भी रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। आप लोग इसके आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से देखना, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे जाके कॉम्पिटिशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लास 12 में तो हेल्प करेंगे ही, कॉम्पिटिशन में भी हेल्प करने वाले हैं। ओके, चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, हम लोग इसको रब करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? ओके चलो, ठीक है। बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स क्या होगा, है ना। फिर हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहां पर क्या होगा, हम लोग ऊपर वाले वन प्लस लॉग एक्स को अगर टी मान लें, सॉल्यूशन लेट वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, देन कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो हम लोग को मिल गया क्या, डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये मिल गया, वन प्लस लॉग एक्स टी मिल गया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी पे पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। सो क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। टी क्यूब क्या, वन प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी, आंसर, दैट्स इट। हम लोग इसका पार्ट फाइव बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।